अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बोला कि ये सीबीएसई में नहीं है, पर फिर भी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर नाम से पता लग रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म, अर्थ की वजह से मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ की वजह से मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारा ऐसा मटीरियल है जो कि मैग्नेटिक इन नेचर है। अंदर मोल्टन मटीरियल भी है, अंदर फेरो मैग्नेट्स भी बहुत ज़्यादा है, फेरो मटीरियल भी बहुत ज़्यादा है जो कि बाय नेचर मैग्नेट है, और वो अपने अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और अर्थ के आसपास बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सबको मालूम है। इवन अगर आप डिस्कवरी में पढ़े भी तो ऐसे बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं, या वो डिस्कस करते हैं कि कोई कंट्री जैसे अमेरिका है, वो इस कंट्री के ऊपर से या इस ओशन के ऊपर से अपने प्लेन्स को नहीं भेजता, लंबे रूट से भेजता है, क्योंकि वहाँ फील्ड्स का अफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्लेन को अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करता ही अर्थ। तो ऐसे केस में मैं ये एक सिंपल सा एक क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है जो इस चैप्टर के अंदर लिंक रखता है, कि जहाँ मैं खड़ा हूँ बस मुझे वहाँ बता दो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 10 टेस्ला, 15 टेस्ला, 20 टेस्ला, कितना अर्थ का फील्ड है, बस ये मेरा क्वेश्चन है। तो किसी ने कहा सर ठीक है आप बी की वैल्यू पूछ रहे हो, मैंने कहा हाँ बी की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती कैसे है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अर्थ का जो मैग्नेट होता है वो उल्टा होता है, अर्थ के अंदर जो इमेजिनरी मैग्नेट है उसका साउथ ऊपर होता है और नॉर्थ नीचे होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से लेके साउथ तक चलती हैं कुछ ऐसे, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं साउथ तक जाएंगे कुछ ऐसे। अब लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से चलती हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो लाइन यहाँ से यहाँ एंट्री करेगी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो लाइन यहाँ से यहाँ एंट्री करेगी, अगर मैं पोल पे खड़ा हूँ तो लाइन सीधी एंट्री करेगी, और इक्वेटर पे खड़ा हूँ तो लाइन ऐसे एंट्री करेगी। तो नीचे से लाइन यहाँ पर एंटर करती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके आसपास क्रिएट होंगी। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब एक लाइन यहाँ से निकलेगी और सीधी यहाँ एंटर करेगी, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। और अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हो कि लाइन सच में ऐसे आ रही है, कोई मानता नहीं है, कोई कहता है मुझे कैसे पता लाइन यहाँ पे आ रही है, मेरे को तो दिख नहीं रही, तो तुम एक मैग्नेट लेके खड़े हो जाओ यहाँ पर, धागे से टांग लो, वो मैग्नेट तुम्हें ऐसी नहीं नज़र आएगी, वो मैग्नेट तुम्हें ऐसी नज़र आएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे आ रही हैं, जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेट चली जाएगी टेढ़ी जाएगी, तब 3D में घुमाना उसे, अब 2D में मत घुमाना, धागे से बाहर मैग्नेट को घुमा दो तो आप देखेंगे वो ऐसे टिल्ट भी हो जाएगी, क्योंकि वो जो अर्थ का फील्ड है उसके साथ अलाइन हो जाती है टेढ़ी की तरह। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक होती है मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास क्या है, कुछ वो जो नीडल होती है ऐसे घूमती रहती है, आपके फोन्स के अंदर भी एक मैग्नेटिक नीडल है, आप ऐप ओपन करोगे तो वो पूरा 2D में घूमती है। लेकिन एक होता है डिप सर्कल, डिप सर्कल होता है वो 3D होती है। 3D में अगर आप मैग्नेट लो, 3D के अंदर मैग्नेटिक नीडल लो, तो 3D की जो मैग्नेटिक नीडल है वो कहीं भी जा सकती है, तो आप अगर इसको यहाँ लेके खड़े हो जाओगे तो वो टेढ़ी ऐसी हो जाएगी, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऐसी है। ठीक है, यहाँ तक पहला पॉइंट क्लियर है। अब इमेजिन करें कि ये ग्राउंड है, इमेजिन करें एक मिनट के लिए ये ग्राउंड है, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ ले लो, यहाँ पे हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, और अर्थ से लाइन, मान लो ये अर्थ है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये सरफेस है उसका, तो इमेजिन कर लिया मैं यहाँ, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ फील्ड कहाँ, लाइन्स कहाँ आ रही है, पर मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि अर्थ की लाइन कैसे आ रही है। तो सोचो अर्थ की एक लाइन आई ऐसे, ऐसी आती 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 ऐसे टेढ़ी एंटर कर रही है ऐसे, तो ज़मीन के अंदर आप देख रहे हो इमेजिनरी एंगल ऐसे, बी वेक्टर ऐसे एंगल बना रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये देखो ये बना हुआ है ना, ये मेरी सरफेस है, ये मेरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के साथ ये बी वेक्टर एंगल कुछ ऐसा बना रहा है। कोई डाउट इसमें? तो समझ में आ रहा है कि बी वेक्टर कैसे एंगल बना रहा है? तो बी वेक्टर कुछ ऐसा एंगल बना रहा है, बी वेक्टर अब ऐसा एंगल बनाएगा, और अगर मैं ग्राउंड पे यहाँ पे खड़ा हूँ तो इमेजिन करो एक लाइन आ रही है, मुझे ग्राउंड के नीचे एंगल पर नीचे भेजनी पड़ेगी उस लाइन को, बी वेक्टर जहाँ एंगल बनाएगा तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, इमेजिन कर लिया यहाँ पर। और कोई ये पूछना चाह रहा है सर मुझे बताओ कि यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 10 टेस्ला, 15 टेस्ला, 20 टेस्ला क्या है, बस मुझे ये बता दो, बात खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर एक तो तेरे को बी की वैल्यू बताऊंगा, लेकिन फिर वो ये भी पूछेगा क्योंकि बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मेरे को बी की डायरेक्शन भी बताओ। अब डायरेक्शन बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा,
इमेजिन करना पड़ेगा ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो मेरे को कोई ये एंगल ढूंढना पड़ेगा डेल्टा, मतलब बी वेक्टर ने कितना एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। ये अर्थ की ग्राउंड की सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो अर्थ की ये मान लो बी वेक्टर ऐसे जा रहा था, तो इसका एक कंपोनेंट अर्थ के साथ होगा और एक वर्टिकल होगा, तो मेरे को इसका एंगल बताना पड़ेगा। अगर मैंने बी वेक्टर का एंगल बता दिया, इसका मतलब मैंने आपको डायरेक्शन बता दी बी वेक्टर की। और अर्थ के फील्ड को बताने के लिए मेरे को दो चीज़ें आपको बतानी ही पड़ेंगी, एक बी की वैल्यू और बी की डायरेक्शन। तो बी की वैल्यू कैसे बताऊंगा, अभी बताता हूँ। और बी की डायरेक्शन बताने के लिए मेरे को डेल्टा यूज़ करना पड़ा, तो इस डेल्टा का मतलब है बी की डायरेक्शन। तो इसका मतलब मैं अर्थ की किसी भी लोकेशन पे अगर आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहता हूँ, तो मेरे को आपको तीन चीज़ें बतानी पड़ेंगी। पहली, मैं अर्थ के किस हिस्से पे खड़ा हूँ। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग बी की वैल्यू होती है। तो पहले मुझे बताना पड़ेगा मैं अर्थ के किस लोकेशन पे खड़ा हूँ, और लोकेशन बताने के लिए टर्म जो यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो मुझे डेक्लिनेशन बताना पड़ेगा। आजकल तो जीपीएस आया हुआ है, खैर तो जरूरत क्या लोकेशन बताने की, लोकेशन एक बार पता लग जाती है, पर पहले डेक्लिनेशन यूज़ करते थे। डेक्लिनेशन अलग अलग अर्थ के लोकेशन पे अलग अलग डेक्लिनेशन होता है, निकलता कैसे अभी डिस्कस करेंगे। अर्थ की लोकेशन बताएगा। दूसरा, मुझे आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन क्या है। जो बी की डायरेक्शन है वो कितनी है, वो डेल्टा है। मैंने बताया था अभी आपको बी की डायरेक्शन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, कि बी वेक्टर ने क्या एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, वो जो एंगल है उसको डायरेक्शन बोलते हैं डेल्टा। और तीसरा, मुझे इटसेल्फ बी बताना पड़ेगा, पर मैं बी बताने के बजाय आपको एच बता रहा हूँ। एच बताने का मतलब क्या है, एच बताने का मतलब है कि अगर आप अर्थ के इस लोकेशन पे खड़े हो और लाइन ऐसे एंटर कर रही है, तो ये टोटल बी है, ये डेल्टा है, ये एच है। तो मैं आपको एच बता रहा हूँ, डेल्टा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक बी कॉस डेल्टा और नीचे की तरफ बी साइन डेल्टा। तो बी कॉस डेल्टा, क्योंकि एच मैं आपको बता रहा हूँ, और एच होता क्या है, बी कॉस डेल्टा। मैं आपको डेल्टा बता रहा हूँ, एच बता रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व करके आप क्या निकाल लेंगे, बी बता देंगे। पर क्वेश्चन ये राइज होता है, मैं डायरेक्टली आपको बी क्यों नहीं बता देता, मैं आपको एच क्यों बता रहा हूँ, तो लंबा काम कर रहा हूँ ना। मैं आपको पहले एच बताऊंगा, मैं आपको डेल्टा बताऊंगा और कहूंगा जाओ जी तुम कैलकुलेट कर लो किसकी वैल्यू, बी की। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं सीधा बी क्यों नहीं बता देता, है ना, लॉजिक है ना। एक स्टेप फालतू क्यों कर रहा हूं, मैं एक टोटल वेक्टर बी निकालना चाहता हूं, पर उसकी जगह मैं आपको एच निकाल के दे रहा हूं, आपको वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी नहीं निकाल के दे रहा, एच निकाल के दे रहा हूं और बी की बजाय एच दे रहा हूं। क्यों ऐसा, इसलिए हम कहां रहते हैं, अर्थ की सरफेस पे। अर्थ की सरफेस पे जमीन के साथ साथ, यहाँ पे अर्थ के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अर्थ का, एच। और सरफेस के ऊपर एच निकालना 2 मिनट का काम है, बहुत आसान है। बी निकालना आसान नहीं है, वी निकालना भी आसान नहीं है, क्योंकि तो अर्थ के अंदर चला गया। मेरे को तो एच निकालना आसान है, तो एच निकालना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बहुत जल्दी आपको एच कैलकुलेट करके दे देंगे, इसलिए एच निकालना जाता है। तो एच आ गया, डेल्टा तो 1 मिनट में आ जाता है, सुई को लटकाओ डेल्टा पता लग जाता है, ये सुई थी ऐसे गिर गई तो 30 डिग्री गिरी, एंगल ऑफ डिप 30 आ गया। तो डेल्टा निकालना आसान है, एच निकालना आसान है, जब डेल्टा और एच आ गया तो बी तो अपने आप ही आ गया। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो मेरे को अर्थ के फील्ड बताने के लिए, अर्थ का फील्ड कितना है किसी भी लोकेशन पे, ये बताने के लिए मेरे को तीन चीज़ों को बताना पड़ेगा आपको। एक, मैं कहाँ खड़ा हूँ, डेक्लिनेशन। एक, बी का एंगल क्या है, डेल्टा, जिसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। और तीसरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच। तो तीन चीज़ों को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ वो तीन चीज़ें हैं जिससे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया जा सकता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितनी वैल्यू रखेगा किसी जगह पर, उसको डिफाइन करने के लिए मैग्नेटिक एलिमेंट चाहिए होते हैं, और वो मैग्नेटिक एलिमेंट कितने हैं, वो तीन हैं। तो तीन चीज़ें हो जाती हैं। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अब डेक्लिनेशन क्या होता है, लोकेशन देखते कैसे हैं, मैं अर्थ की लोकेशन में खड़ा कैसे हूँ। अब क्योंकि ये पुराने तरीके हैं डेक्लिनेशन निकालने के लिए, तो इसलिए आज नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इसलिए शायद उन्होंने ये अपडेट ही कर दिया कि सिलेबस से हटा ही दिया कि कौन ही जितनी ज्योग्राफी पढ़ेगा बैठ के। पर फिर भी 2 लाइन में बताता हूँ, इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं है डेक्लिनेशन का इस चैप्टर में, ना पूरी फिजिक्स में। तो इसलिए जस्ट 2 लाइन में बता के छोड़ देते हैं, ना इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ये बताने के लिए काम करना है, सबसे पहले आप इमेजिन करेंगे कि एक वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन, इमेजिनरी प्लेन।
जैसे मान लो इमेजिनरी प्लेन है मेरिडियन, तो इमेजिन करो कि आपके पास एक अर्थ है, अगर आप अर्थ के अंदर इस प्लेन को घुसा दें, इमेजिनरी अंदर घुस गया, इस इमेजिनरी प्लेन को मेरिडियन बोलते हैं। अब इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि आपका जो बी है, इस किसी लोकेशन पे बी वेक्टर यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे खड़ा हूँ, तो बी वेक्टर ऐसे है, तो अगर आपका बी वेक्टर ऐसे है, तो अगर मैं एक प्लेन कंसिडर करूँ जिसके अंदर ये बी वेक्टर कंटेन हो, बी वेक्टर इसके अंदर हो, इस इमेजिनरी प्लेन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वो इमेजिनरी प्लेन है जिसके अंदर बी वेक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मान लो मैं ये बताता हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो एक लाइन आई और इसमें एंटर कर गई। मैं एक प्लेन लूँगा इमेजिनरी, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेन ले लिया, जिसके अंदर क्या कैरी कर रहा हूँ मैं? इस वेक्टर को कैरी कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है? बी वेक्टर। इस इमेजिनरी प्लेन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। काटना नहीं है, ऐसे इमेजिन करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो ये मेरा बी वेक्टर है, तो एक प्लेन जो इसको कैरी करेगा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो कुछ नहीं है, मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ नहीं है, अगर लाइन इसके ज़मीन के यहाँ एंटर कर रही है, तो मैं एक प्लेन इसके अंदर एंटर करवा दूंगा, बस वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब कोई कहेगा कि सर वो तो लाइन तो पता नहीं कहाँ कहाँ से एंटर करती जा रही हैं, अब अर्थ के अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लाइन है, तो इनफाइनाइट मैग्नेटिक मेरिडियन है, जो जहाँ खड़ा हुआ है, जिसको जो लगता है कि मैग्नेट ऐसे लटक गई है, हवा में मैग्नेट ऐसे लटक गई है उसकी, तो फिर यहाँ से काट दे मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन तैयार हो गया। भाई ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। किसी कंट्री की किसी लोकेशन पे अगर नीडल ऐसे लटक गई, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में बात खत्म हो गया, ठीक हो गया। तो अर्थ की अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग मेरिडियन बनेंगे। एक इमेजिनरी मेरिडियन है ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफी का मतलब आप नॉर्थ एंड साउथ है, बस उसको नहीं घुमाना आपने, एक जगह से उसको सेट कर लो। एक जगह पे मैग्नेटिक मेरिडियन, आपने ज्योग्राफिक मेरिडियन ले लिया, अर्थ को दो हिस्सों में काट लिया, उसको यहीं रहने दो। मैग्नेटिक मेरिडियन हर तरफ से चेंज हो रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन आपस में एंगल बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, उसे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं, थीटा। अब तुम किस लोकेशन पे खड़े हुए हो, तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन के साथ क्या एंगल बनाएगा, वो डेक्लिनेशन है। तो ये हमने निकाल रखी होती हैं वैल्यूज और नोट कर रखी होती हैं, तो डेक्लिनेशन से पता लग जाता है आप अर्थ के किस लोकेशन पे खड़े हुए हो। पर हमने इस पॉइंट को अब आज के बाद डिस्कस नहीं करना, आपने ढूंढना भी नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं इस ज्योग्राफी के ऊपर, बस बताने के लिए था। असली चीज़ें दो चीज़ें हैं, और वो ये दो चीज़ें हैं। तो इमेजिन करो कि आप अर्थ की किसी लोकेशन पे खड़े हुए हो, यहाँ पे सच दैट अर्थ ऐसी दिखेगी आपको, ये अर्थ, आप यहाँ खड़े हो, लाइन आ रही है नीचे से, ये देख रहे हो ऐसे बी वेक्टर आ रहा है, और तुमने एक मेरिडियन ले लिया जिसका नाम क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये अर्थ के अंदर बना हुआ है, तो इमेजिन कर लो ये अर्थ के अंदर मेरिडियन है, तो एक मेरिडियन निकाल दिया यहाँ पे, मैग्नेटिक मेरिडियन जिसके अंदर बी वेक्टर है, और जिसके दो कॉम्पोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है और एक इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, और ये एंगल ऑफ डिप है। एंगल ऑफ डिप वर्टिकल के साथ नहीं बनता, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। नीडल कितना बेंड हो गई हॉरिजॉन्टल के साथ, उसे एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। और पीछे का मेरिडियन ज्योग्राफिक मेरिडियन है, और इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। पर इसको हम स्टडी नहीं करते, इसको छोड़ देंगे। अब मेन जो फॉर्मूला बनने वाला है, अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट दे दूँ, अगर मैं आपको वर्टिकल कॉम्पोनेंट दे दूँ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, और आपसे बी की वैल्यू पूछूँ, तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर आपको बी गिवन होगा, आपको वी गिवन होगा, आपको बी, आपको हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एच गिवन होगा, आपको वी गिवन होगा, और बी की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा एच का फॉर्मूला होगा बी कॉस डेल्टा। देख लो ना, एच बी के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक कॉम्पोनेंट होगा बी कॉस डेल्टा, तो एच की वैल्यू बी कॉस डेल्टा, और ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा? बी साइन डेल्टा, तो वी का मतलब बी साइन डेल्टा। बस ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इसको लिखवाऊंगा अभी, रुक जाओ। तो ये तीन चीज़ें मुझे चाहिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपकी बुकलेट के अंदर ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पे तीन चीज़ें चाहिए, पेपर में आता है मार्क करने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर। जो आपका पोल है, अगर आप मान लो बहुत ऊपर खड़े हुए हैं, है ना, अर्थ के बिल्कुल टॉप पे खड़े हुए हैं, तो आपका जो मैग्नेटिक लाइन है, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक लाइन बिल्कुल वर्टिकल गिरती है। आप एक पोल्स पे जाके खड़े हो जाओ और एक मैग्नेट को लटका दो धागे के साथ, वो ऐसी नहीं होगी, वो ऐसे गिर जाएगी ऐसे, क्योंकि लाइन पोल पे सीधी गिरती है। तो बोलो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाती है? वो
हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या एंगल बनाती है, 90, इसलिए एंगल ऑफ डिप पोल्स के लिए 90। और अगर आप इक्वेटर ले लो अर्थ के आसपास, इक्वेटर पे लाइन सीधी हॉरिजॉन्टल एंटर करती है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंटर करती है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही क्या एंगल बनाती है, जीरो। तो ये नोट कर लो, इक्वेटर के ऊपर एंगल ऑफ डिप जीरो है, पोल्स के ऊपर एंगल ऑफ डिप 90 है। दो चीजें नोट कर लो प्लीज, ये वैल्यू मार्क करने को आती है, एंगल ऑफ डिप मार्क करने को आ सकता है। अब वो तो कट गया सीबीएसई से, तो हर साल आता था सीबीएसई में एंगल ऑफ डिप, एक नंबर तो फ्री के थे उनके, ये पक्का पूछते थे पोल्स और इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप बताओ। चलो कोई बात नहीं, कहीं और से कमा लेंगे नंबर, ठीक है। तब ये देख रहे हो डायग्राम, ये बढ़िया डायग्राम बना हुआ है, किसी ने मैग्नेटिक नीडल को लटका दिया हवा में, ये देखो ये नीडल लटकी हवा में, तो ये बी वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, बी वेक्टर के कंपोनेंट हो गए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंगल ऑफ डिप हो गया। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस डेल्टा, वर्टिकल क्या होगा, बी साइन डेल्टा, और नेट बी की वैल्यू क्या होगी, टेन डेल्टा क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर लें और नेट बी की वैल्यू, ये चारों फॉर्मूला नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टोटल और टेन डेल्टा डेल्टा, ये चार फॉर्मूला नोट कर लें।